गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू सिक्स चैप्टर। ओपन द पेज नंबर 67। लास्ट डे आपने प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स पढ़े थे, आज आप कॉमन फैक्टर्स पढ़ोगे। टू फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर्स, दिए गए नंबर से कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने के लिए वी राइट ऑल फैक्टर्स, हम सारे फैक्टर्स राइट करते हैं एंड टेक आउट द फैक्टर्स दैट आर सेम इन द बोथ द नंबर्स। फिर उन दोनों नंबर्स में जो सेम फैक्टर्स होते हैं उसे टेक आउट करते हैं। क्लियर? दिए गए नंबर्स में कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए पहले हम सारे फैक्टर्स राइट करते हैं, देन दोनों नंबर्स में जो सेम फैक्टर्स है उसे टेक आउट करते हैं, निकालते हैं। फॉर एग्जांपल, फैक्टर्स ऑफ 24 आर, 24 के फैक्टर्स क्या क्या है? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। फैक्टर्स ऑफ 32 आर, 1, 2, 4, 8, 16, 32। ओके, अब दोनों के फैक्टर्स में सेम सेम क्या है? 1, 1 सेम है, 2 है, 4 है, 8 है। ओके, कॉमन फैक्टर्स आर 1, 2, 4, 8। क्लियर? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, एज द नेम सजेस्ट, जैसे कि नेम से क्या है? क्लियर है, द एससीएफ्स ऑफ द टू और मोर गिवन नंबर्स इज द लार्जेस्ट फैक्टर डैट इज कॉमन टू ऑल। क्या बोले कि जैसे नेम से क्लियर है कि जो टू और उससे अधिक दिए गए नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर होता है, ठीक है, जो सभी के लिए क्या है? सेम है। लेट सी फ्यू एग्जाम्पल नाउ। एग्जाम्पल फर्स्ट, इज 8 अ फैक्टर ऑफ 60? क्या 8 60 का फैक्टर है? वी डिवाइड 60 बाय 8, ठीक है, 8 से हम क्या करेंगे? 60 डिवाइड करेंगे। 8 7 56, तो ये जो रिमाइंडर आया ये कितना आया? 4 आया। मीन्स ये 8 का फैक्टर 60 का फैक्टर नहीं है। ओके, 4 इज लेफ्ट एज अ रिमाइंडर, जो 4 है एज अ रिमाइंडर कि उसमें बचा है। 8 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 60, 8 जो है 60 का फैक्टर नहीं है। नॉट टर्न योर पेज नंबर 68। एग्जाम्पल सेकेंड, फाइंड ऑल फैक्टर्स ऑफ 36। 36 के सारे फैक्टर्स फाइंड करने। 1 into 36 36, 2 into 18 36, 3 into 12 36, 4 into 9 36, 6 into 6 36, ठीक है। तो उस 36 के कितने फैक्टर्स हुए? 1, 2, 18, 3, 12, 4, 9, 6। ओके, 36 के इससे ज़्यादा फैक्टर्स अब नहीं होंगे। उस 36 का सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर कौन सा है? 1 है। और सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? 36 है। एग्जांपल थर्ड, राइट 3 फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। जो नंबर दिए हुए उसके हमें क्या करना है? फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स राइट करना है 1 और नंबर इटसेल्फ को छोड़कर। 105 के कितने फैक्टर्स? 3 into 35 105 3 5 into 25 105 7 into 15 105। तो 105 के कितने फैक्टर्स हुए? 5 3 5 7 3 5 यहाँ 7 आएगा। ओके, 1 और नंबर इटसेल्फ को छोड़कर 105 के कितने फैक्टर्स होंगे? 3 होंगे, 5 3 7। क्लियर? बी नंबर भी सेम है, 64 के कितने फैक्टर्स होंगे? 1 2 3 4। ओके, 1 और नंबर इटसेल्फ को छोड़कर कितने फैक्टर्स हो रहे हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है। हमें कितने राइट करने हैं? 3 फैक्टर्स राइट करने हैं, इसलिए 2 4 8 करेंगे। ओके, सी नंबर सेम है। अब रिमेंबर द आंसर मे बी डिफरेंट फॉर ईच नंबर ऑफ अस एज देयर आर मैनी अदर फैक्टर्स। क्या बोल रहे हैं कि जो आंसर है वो मे बी क्या डिफरेंट हो सकता है हम में से हर एक के लिए, क्योंकि यहाँ कई अदर फैक्टर्स हैं। क्लियर? एग्जाम्पल फोर्थ, राइट ऑल द कॉमन फैक्टर्स। हमें इनमें क्या करना है? कॉमन फैक्टर्स राइट करना है। तो पहले आप 16 का फैक्टर राइट करोगे, देन 24 का, फिर उनमें से देखोगे दोनों में सेम सेम क्या है। ठीक है, कम टू पेज नंबर 69।
पेज नंबर 69 में फैक्टर ऑफ 16, 16 के कितने फैक्टर होंगे, 1, 2, 4, 8, 16, 24 के 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, तो अब दोनों में कॉमन क्या क्या है, 1, 2, 4, 8 के फोर फैक्टर्स क्या है, कॉमन है दोनों नंबर्स में, बी नंबर भी सेम है, सी भी सेम है. ओके, एग्जांपल 5, फाइंड द HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या करना है, फाइंड करना है. तो दोनों नंबर्स के क्या करोगे आप, पहले फैक्टर्स राइट करोगे, 12 के फैक्टर्स कितने होंगे, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12, 20 के 1, 2, 4, 5, 10, 20. अब क्या करोगे, दोनों में सेम कॉमन फैक्टर्स राइट करोगे, कॉमन कौन कौन से, 1, 2 एंड 4. ठीक है, अब इसमें से सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 4 है. क्लियर, HCF ऑफ 12 एंड 20 इज 4, 12 और 20 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 है. बी नंबर भी सेम है, सी भी सेम है. ओके, नाउ टर्न योर पेज नंबर 70 पेज नंबर पे एक्सरसाइज 6B, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिल इन दी ब्लैंक्स. ब्लैंक्स फिल करने हैं, ए नंबर 3 × 7 इज इक्वल टू 21, सो 3 एंड 7 आर ऑफ 21. 3 × 7 क्या 21 है. ठीक है, 3 एंड 7 21 के क्या है, फैक्टर्स हैं. क्लियर, बी नंबर 18 इज इक्वल टू 2 × 3 × 3, सो 2, 3, 6 एंड 9 आर डैश ऑफ 18. जो 2, 3, 6, 9 है वो 18 के क्या है, फैक्टर्स हैं. सी नंबर डैश इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. हर नंबर का, एवरी नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होता है, 1 होता है. डी नंबर, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ डैश 0. ई नंबर डैश इज नॉट अ फैक्टर ऑफ एनी नंबर. किसी भी नंबर का फैक्टर क्या नहीं होता, 0 नहीं होता. ठीक है, किसी भी नंबर का 0 फैक्टर नहीं होता है. क्लियर, 0 जो है किसी भी नंबर का फैक्टर नहीं होता है. सेकेंड नंबर, फाइंड इफ दी. अब आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तक कंप्लीट करोगे. ठीक है, अपनी नोटबुक में 6B का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लेना. ओके, और क्वेश्चन नंबर सेकेंड मैं आपको कल बताऊंगी. क्लियर.